हेलो ड्रामा वॉचर्स, की हाल चाल? सारे ठीक ठाक हो? मैं भी बहुत वधिया, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड आज आप देखेंगे इश्क मुर्शदा एपिसोड नंबर चौथा। तीन एपिसोड आप देख लिया, एक अखाड़ा का आप एपिसोड देखे। जिन्होंने अजे तक नहीं देखा, सबसक्राइब करो अपना नवा चैनल ते एपिसोड्स दे फुल फुल रिएक्शंस देखने चालू कर दो। सो देखते हैं अज का एपिसोड। ये आमने सामने कभी बैठे एक दूसरे भी। ओ ओ सही है। कुछ हो गया भाई। बच्चा देख रहा भी तेरा दिमाग ठीक ठूक है, किधर खोया होया, मगर पता नहीं की चलन दिया। जी साहब, अंदर कौन है? आफ्ताब साहब आए, पार्टी की मीटिंग चल रही है। कुछ कोई बंदा आया है, पार्टी की मीटिंग चल रही है, अंदर माहौल जड़ा खतरनाक होएगा बने पक्का। ये जो तुम साजिश करो ना मेरे खिलाफ, वे चंगी गल नहीं सजना। हुकूमत में आएगी ना, तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल पाएगी। मैं तो फैसला कर चुका हूं। ये अपोजिट पार्टी का बंदा। एक बात बताओ मुझे, कोई है ऐसा जो तुम्हारे बाद इस पार्टी को चला सके? गल तो यह भी सही है भी जेड़ा रुतबा बंदे का, पर्सनैलिटी देखो कितनी घैंट बनाई है यार। ये आ अंकल दी है ना, तो सही है यार, रुतबा तो है। तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें कहां देखा था? हाँ, जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर बदल रही थी। ओह, एडा पुराना बंदा भी, विलन भी एडा पुराना बनाया है, जानी दुश्मन टाइप। आज तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो वक्त बताएगा। इजाजत है? रुकूंगा तो रुक जाओगे क्या? ओ, सही है, बंदे का एटीट्यूड भी सही है भाई। अच्छा ये मतलब ना जिहड़े आ घर दिखाए है बड़े पॉश जिहा दिखाए है ना, बड़ा वैल मेंटेन्ड है सारा कुछ, लेकिन मुंडा देखो ये आप कई सारे ड्रामास दे विच देखिया हुंदा कि मुंडा कुड़ी जिहड़े हुंदे उन्होंने इन्हां चीज़ां नाल मतलब नहीं हुंदा, सिंपल लाइफ दे विच बिलीव करते हुंदे है ना। ये तो पता नहीं है फवाद खान कहाँ चला गया। पिछले भी देखा आंटी जी कोई ना कोई दिक्कत है पक्का। परसों तनख्वाह मिलती है तो मैं दिखाता हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को। इकदा रौला भी, ईमानदार बंदा जिन्ना चिर तनख्वाह नहीं आती उन्ना चिर कॉम्प्रोमाइज करते रहो। ये कुड़ी आपके प्यो नाल भरावा गुस्सी रहती है। ये भी बात कर रही हो तुम, बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। ये भी गलत सही है। कहना ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? माफी मांगो। क्यों माफी मांगू मैं? आप बताएं किस बात की माफी मांगू मैं? नहीं नहीं, क्या आप अपनी बहन को नहीं जानते? सही है अल्लाह, कोई नवी गल थोड़ा भाई। जब मेरी तलाक ही करवानी थी तो फिर मेरा निकाह क्यों पढ़वाया? आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे रिश्ते की आड़ में वो अपना कोई लालची सौदा दिल में बिठा के बैठी होंगी। नहीं प्लीज रहने दीजिए। या एक कुड़ी दी थी जिंदगी खराब है, सही गल है यार। आई एम विद दिस कुड़ी। अम्मी जान तो बेचारी है, अब लाना री। फादर साहब अपने असूलों के पक्के है, ते देखो नेक्स्ट की होंगे। प्लीज गुस्सा ठंडा करो और पानी पियो। चलो यार, तुम पापा को हमेशा ऐसा क्यों फील कराती हो जैसे वो एक अच्छे बाप नहीं है? ये भी पॉइंट है भाई, ये उन्हें नु समझाएगी। अरे यार अब मुझसे नहीं सुना जाता, बस मेरी भी एक लिमिट है बर्दाश्त की। बड़ी कशमकश दे विच फसी हुई है कुड़ी ना, मतलब एदा ए ना उधर दी है ते ना उधर दी है, ये हिसाब होया पया एदा। चलो
नेक्स्ट देखते हैं कि खबर चल रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की कयादत करने वाले सियासी रहनुमा आफताब कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ मुआफी तलब कर ली है बल्कि अपनी वजारत के मनसब से इस्तीफा भी दे दिया है। वो चक्को जी कयास सराहियां जारी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की कयादत परेशान मत हो, सियासी रहनुमा आफताब कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ठीक हो जाएगा। पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ ये सब तो चलता रहता है ना, बल्कि सही है पॉलिटिक्स दे वैसे तो नाम निकलना भाई। ठीक है की मतलब फराज के साथ की दूर उस लड़के से आज्ञा लेने लगे थे तो जान दे। एक मामूली सा क्लर्क था फराज फैसा नहीं हो जो भी है तुम फराज का असर से दूर रहोगे। जी ठीक है वो आज्ञाकार बच्चा भी पूरा फिर भी देख लो कहना ठीक है दूर रहूंगा मान के एक करी पहली अली से। आपको पता है अम्मा जी से वादा किया था मैंने क्या कि उनकी पार्टी को नहीं डूबने दूंगा। अच्छा अम्मा दी पार्टी सी है ठीक है देखो ये आई थिंक अपने फादर नाल गुस्सा नहीं सी यार पिछली वीडियोस दे विच तां कि उन्हें विह कराया शायद मैंने तो लगता है पर थोड़ा रूड जहा बोल रहे थे अब पहली ही देखा कि दोनों बाप बेटा आराम ना बैठ के गल कर रहे हैं कोई वक्त आने पर सबसे मार लूंगा। कब क्या थे वादा अभी कुछ दिन पहले। ठीक है लायक बच्चा बना था वो कुड़ी ने जिते प्यार च कमला होया व्या ओके इतने आई थिंक होने ने कोई ना कोई जरा हल कटना सीधा। क्या हुआ व्हाट्स रॉन्ग पार्टी करते हैं पार्टी करते हैं देखा ये होता है दोस्त। अच्छा इन्हें ना आई थिंक जड़ा बंदा खड़ा ना उन्हें कुछ सबक सिखाना मे भी मैं लग रहा है सब मुफ्तकोर है। ठीक है मैं रिमाइंडर डालता हूँ सही है कुछ ना कुछ तो चोल होएगा चल करे यार रिलैक्स रिलैक्स। क्या बात है भाई इस पार्टी में तमाम लोगों के बच्चे आएंगे जो हमारी पार्टी खराब कर रहे हैं। ओहो अच्छा मतलब पार्टी दे विच जिहड़ी ओह दूजी पार्टी है ओहदा अदला बदला करना है सही है बस एक दफा सिफारिश करते बस एक दफा। ओह बेचारा आपदे मामू कोल आया सिफारिश वास्ते हुण आ मुंडे नूं पता लगेगी कोई ना कोई गल ते फिर इह शायद कोई ना कोई हल कढूगा इहदा पक्का। तुम यहां से उल्टे पांव वापस जाओ अब हम दोस्त है ना। हाँ वो तो है ना। हाँ मुझसे काम नहीं होता इतना ओ तेरी यार देखो जब ये इस गेटअप चाहता है ना उदो वाकई इदा ही लगता है कि मतलब इसे जॉब वास्ते ही है ना मतलब एक गरीब वाकई लगता है तो जो ये उस गेटअप च हों अमीर वाले चो उदों लगता है कि यार ये बड़ा एक एटीट्यूड वाला बंदा है बड़ा रिच परसन है ना ये एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है भाई ने यार सीरीयसली कुछ ना रिश्वत तुम्हारे लिए 20,000 रुपए 20 हाँ बढ़िया 20,000 सारे उन दो ते आवदे आवदे काम करवाओ तो ये वो भी अभी तक तुम्हें नहीं मिली ये 20,000 रुपए तुम मुझे कहाँ से दे रहे हो। ओ, मेरे गांव में जमीन है गुड वन वो अलग बात है जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसका अब्बा चाहता है मैं सरकारी नौकरी में हूँ अच्छा तो उसको दिखाने के लिए करता हूँ। ओ तेरी सच दसता भैया ने किया हुआ है चलो फिर सुहेब आओ मेरे साथ आज मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे और मेहनती गरीब नौजवान से ओ तेरी ए पंगा पैना है जेड़ा इन्होंने बिल्डअप कर लिया ना है मुंडे ने कि सच्चा नौजवान मतलब गरीब मेहनती हार्ड वर्किंग ये जो सच पता लगना है ना अंकल नू हार्ट अटैक आना पक्की गल है मिल बात हूं हजे तक कुड़ी ने भी पसंद कर लेना इन्हें रिश्ता भी कर देना मैं लगता एंड दे जेड़े अगले एपिसोड होंगे उस पता लगना जिसने अपनी सच्चाई और मेहनत के बलबूते पर हक हलाल की नौकरी पाई। बाजी बात दिखाओ जी दिखाओ तुम्हें नौकरी कैसे मिली क्या मतलब कैसे मिली सर
करो एक्सप्लेन होना। मेहनत से बगैर सिफारिश के मिली ना। 100% सर, आपको वो कहानी बताई थी ना, दरिया किनारे मगरब के किनारे बैठा वो मां। हुणे एक सेकंड पहला जेड़ा 20,000 दिता ओदे बाबे नू, ओदा हिसाब किताब केड़े देना, जिसकी मेहनत और ईमानदारी का जिक्र कर रहा था मैं तुमसे। अरे भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगी तुम्हारी भी नौकरी, मैं कह रहा हूँ ना। 100% एकदा जिंदा है कि मिलेगी तुझे नौकरी तो ही देगी इसकी अम्मा इसको चौकरी। सर ने कह दिया नौकरी मिलेगी तो अब पक्का मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सर ने कह दिया, बात खत्म हो गई, बस आप अपना डिपार्टमेंट बताओ कहाँ अप्लाई किया। डिपार्टमेंट क्यों सर, दुआएं कह रहा हूँ ना सर। हमारे जो बाबा जी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मौकलात होते हैं। सही गल है। अच्छा इन्हें वो कर देना सिस्टम सेट है, तो उन्होंने जॉब ला के आनी है। शादी वादी करनी हो तो हो जाएगा, दुआ कर रहा हूँ। ये दामाद है मेरा। दामाद ओदे होश उठ गए, इन्हू लगना कि को कुड़ी है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना, आपकी नौकरी हो जाएगी। आप बस दुआ पे भरोसा रखो यार। मनोवर हाँ फजल भाई, वो बताओ हमारे बाबा जी की दुआ में कितनी तासीर होती है, बता। हाँ फजल भाई बिल्कुल बिल्कुल। अंकल ने भी हैरान होना है कि अजकल का छोकरा आया है, जो पुराने इंप्लॉई उन्होंने भी आपकी उंगलों से नचाने लग गया भाई। ये दुआ कर भाई, दो दिन में उसकी शादी हो गई। पहले से दो बीवियां क्या हो गया मनोवर? ओ तेरे। हाँ सर, लेकिन इसको पता नहीं था ना सर। सर पता ही नहीं था सर, उसने बताया नहीं, उसने बोला मुझे शादी करनी है, मैंने दुआ करा दी सर। वो खुश है सर, अपनी मर्जी से किया, पूछो सर। बिल्कुल सर। गुड वन तन चुपके करता है ना सर। दो गवाह चाहिए थे, मैं और मुनव्वर गए, हमने जाके शादी करा दी। वो फनी फजल बख्श सर टेंशन करनी है। हाँ हाँ दिल से, अरे दिल से भाई, दिल से हो जाएगी, बस आप खुश रहना। एदी दुआ होनी है 20,000 नाल, 20,000 देना है ने ते जॉब लग जानी तेरी। यार बंदे का कोई दिमाग होता है, कोई अकल इस्तेमाल करता है क्या, कहीं भी कुछ बात कर देते हो। अरे यार सच नहीं बताएगा, पैसों से मुंह बंद कर दूंगा इसका। आया मैं कब से आपका परहेजी खाना तैयार करके बैठी हुई हूँ। समझदार लड़का है, पता नहीं कहाँ रह गया वो। आ गया, अच्छो इनू भेजा अज घरे लै भी। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम, तुम क्या कर रहे हो भाई? सर बस यहाँ से गुजर रहा था तो सर आप पे नजर पड़ी। यहाँ से गुजर रहा था, बड़ी सड़क थी, जीडी रोड पे फिरदा है कमरे जी। क्या है मेडिसिन कैसी सी? ये वो मैं देख सकता हूँ। हाँ ये तो खाना खाने से पहले वाली मेडिसिन है। मल्टी टैलेंटेड है। नब्ज दिखाए सर, आपका बीपी काफी लो हो रहा है। यार मुंडा बहुत गाड़ी है, सीरियसली इडियट सर। वो पचास बात ही हो गया, भूल गया मैं, आप बताओ। मैं वो पिन लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। घरे चलिया सीगा वो, कहते घर तक तेनू पता नहीं गा जाना कितने है तू। लै भी हुण पहुंचेगा ओदे घरे साइकिल ते। रस्ते च मिल गई, ये पता नहीं कौन है यार, एदा इन्होंने रिलेशन तो दिखाया नहीं कोई एदे नाल। जा रहा हूँ उसके घर। जा रहा हूँ उसके घर। नर्वस हो रहा हूँ। वही नून गाइड करेगी, ये लव गुरु है यार ये, सीरियसली वो नाल ही जाएगी ओदे मिलन लगदा हुण। तेरा मेरा प्यार अमर। ओ ओ ओ आंटी नूं लगदा सारा कुछ पहलां पता लग जाणा, मैनूं चेता लगण डिया। ओ लोके देखण डई आ, क्या बात है। अरे उन्होंने क्या चोर है, क्यों गुस्से? वो बैल नहीं चल रही थी इसलिए ऐसे आ गया। सही है। तो ये बजा सकते थे ना? बजाई थी। ओ माजरत। आंटी कमाल है। बस बेटा जब से तुम्हारे साहब की तबीयत खराब हुई है ना, तब से एहतियात बरतनी पड़ती है, परहेजी खाना देना पड़ता है। आंटी वैसे आपकी उनको हुआ? अच्छा बेटी तो पूछेगा वो काम। तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैर? तबीयत ही पूछी जो करे। पता नहीं क्यों एकदम से दर्द उठता है, या पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ
तुम्हारा नाम? अच्छा जी, जे दर्द पिछे नु जा रहा फिर तो पथरी आंटे जी, ठीक है, ऑपरेशन करवाना पैना जे तो पेटे दे विच है, जे दूजी है तो दवाइयां नाल गुर जाएगा। डॉक्टर साहब रिएक्शन करन दे आज। क्या है आंटी? माई सेल्फ फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श, अभी ताजा ताजा सलमान साहब के दफ्तर में भर्ती हुआ जूनियर क्लर्क के तौर पे। दोबारा थोड़ा सुनना पड़ेगा। 6 महीने का था तब अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया। ओके, क्या आप ये समझे अल्लाह मियां वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गए? चलो जी, आंटी ने पिघल जाना, बस ये सब तो वड्डी गल हुंदी है। जेकर तुसी किसी आंटी नूं इदां कह दो ते जिन्हां दा ऑलरेडी एक मुंडा उन्होंने गवा लिया है ते लाओ जी चाक दो फटे। की बोले? कोई बोले? अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। गुड वन, तेरे नाल इदां ही होना चाहिए काके। सही है, बेचारे दी आसां ते पानी फेरता। अच्छा कुड़ी नूं किदां पता लगूगा हजे कि वह घरे आया सीगा? रोटी खा के जाएगा भी अजे। अच्छा लुक के खान लगा ही। ओहो स्वाद लग रही है उन्हूं। अच्छा हुण इह हॉस्पिटल लैके जाएगा पक्का इन्हां नूं ते बस उस तों बाद काम जिहड़ा मुंडे दी पाउं मारां फिर। आंटी 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 हाँ। आंटी परेशान नहीं हो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ओह की चक्कर पै गया? अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो बस अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती तो बात बिगड़ सकती। हाँ ये डायलॉग भी साड़ी हिंदी फिल्म वाला भाई। हुआ क्या? अपेंडिक्स था, ऑपरेशन। हाँ अपेंडिक्स हो गया, बस अब वो कमरे में आ जाती तो फिर मिलते हैं तुम्हारी माँ से। हाँ क्लास खत्म हुई है, मैंने फोन खोला, मैसेज देखे, आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत हुई है, जी पैल्पिटेशन। अच्छा अच्छा रिलैक्स करो, शुक्र करो वो लड़का था यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। लड़का कौन सा लड़का? एक मिनट, कौन सा लड़का भाई? हुण फेस दे, ओहो हुण देखदे की रिएक्शन होगा कुड़ी दा। अरे हेलो, तुम यहाँ? अरे संजी। हाँ जी। हाँ जी, तुम जानते हो एक दूसरे को? मैं काम करता है आपके। हाँ जी सर, ये लड़की आपकी बेटी है? हाँ नरगिस, हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया, नहीं फिक्र की कोई बात नहीं। कुड़ी नूं पता लग जाना कि इन्हें सारा कुछ इहदे लई कीता, पर एट द सेम टाइम खुश भी होएगी कि हाँ इन्हें मेरी माँ को बचाया। टंकी दे विच दा नंबर 1 है भई। की नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ भी मिल सकते? हाँ जी। सारी कुदरत जो लगी हुई है तो उन दोनों मिलाने के लिए। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। Still can't believe. Oh my God. है ना? Oh my God. मतलब इस तरह हम हॉस्पिटल। एक्टिंग वॉक एंड अवे मुंडे दी सीरियसली। अच्छा पार्टी हो रही है, सारे मुंडे आए हैं। सही है भाई, सही है। बेहतर फील कर रही है ना आप? परेशान मत। आंटी जी का प्यार दुगना चौगना हो जाना मुंडे लिए उन्हें। देखिए चलो बेटा। अरे कैसी बात कर रही है? जीत रहो। आज वाकई ऐसा लगा जैसे खुदा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। भरा आ गया दो भैणा दा। वो देख दी है भरा बन दे लायक है। सुलेमान आज ये दांव तो पता नहीं क्या होता मेरा। लो जी बस दुख दी रख दे हाथ वाले, हुन इमोशनल पूरी हो जाएगी तुम्हारी इंशाल्लाह। जी सर।
पार्टी पार्टी पार्टी। सर एक जरूरी काम आया मैं तो। हाँ जाओ जी जाओ जाओ जाओ, थोड़ा काम तो हो गया मेन। नहीं हाल में मस्त रहता है। एक एक कुड़ी चला गया छोटी वाली, इहनू पता लग गया ना भी कोई तो पंगा है। ओ भाई इहनू क्यों बन्नी बैठी है? ये की सीन होया? सब मर गए क्या? आई थिंक उन्होंने पहले ही पता लग गया होना मैंने लगता। पीछे से क्यों वार कर रहा है? हाँ दम है तो सामने आ। तो हाथ खोल दे यार भाई साहब, मेरे हाथ भाई साहब। ओ ओ एक ही चक्कर है भाई भाई साहब। ओ भाई ये बहुत बड़ी गेम पै रही है, एक ही चक्कर है। कहाँ गया? मेरे हाथ खोल दो, मैं आपको एक बात बताऊँ। मेरा बाप ना बहुत गरीब आदमी है, डब्लू 11 चलाता है। यार ये इंटरेस्टिंग होगी चीज़ है, इन्हें अपने ही दोस्त के हाथ पैर क्यों बनने हैं? बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके वो मुझे पढ़ा रहे हैं, ये तो बस ये कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं वो मुझे ले आए पार्टी में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक आइडिया दूँ? इधर नाम ले गया क्यों पढ़ो फार्माउस है ना, जानते उसका मालिक कौन है? ओ ये चक्कर है, कोई कितने डबल माइंडेड था नहीं बंदा, डबल फेस सॉरी। आजकल गरीबों के मोहल्ले में भैरूपिया है, भेस बदल के बेवकूफ बना रहा है। ओ कोई सिक्योरिटी नहीं है यार, मैंने तो लगा ये था बेस्ट फ्रेंड है। हाँ एड्रेस बता। अच्छा उन्हें अपनी आवाज नहीं पहचान आ रही, कौन? चलो बताते हैं। ओ मेरे मजाक कर रहा है, इन्हें बनिया क्यों है यार? तू क्या समझ रहा था? या फिर आई थिंक इन्हें किडनैप किया होना है इनके प्यो नु सब सिखाने के लिए। मजाक कर सकता है? कैसा मजाक किया मैंने? मजाक नहीं कर रहा, बस तूने तो कहा था कि अपने बापों के बीच में कुछ भी हो जाए। हाँ सही सही, क्या सी कुछ भी नहीं होगा हैं? तो ये सब क्या है? अम्मा जी से वादा किया है, पार्टी को कुछ नहीं होने दूंगा भाई, पार्टी को कुछ नहीं होने दूंगा। बापों की लड़ाई होती छोड़ देता। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अम्मा जी से बात हुई है, उनका नाम नहीं खराब कर सकता। ओ भाई परेशान ना हो, कुछ नहीं होता तुझे, यहीं पर है तू। वो ही बस उन्होंने किडनैप किया है। ठीक है गॉट इट। सरदार कितने आए ना, कभी हाथ पैर तोड़ दिया। जब तक इनके बाप माफी नहीं मांगते और रिजाइन नहीं करते, मेक श्योर करना कोई ना भाड़ जाए, और ये मेरे दोस्त का खास ख्याल रखना। यार ये गल वैसे गलत है यार, जेकर दोस्त मनिया तो उसके नाल इदां सलूक नहीं करना चाहिए, कोई होर अल्टरनेटिव करना चाहिए, पर हो सकता अगे जाके कोई स्टोरी डिमांड कुछ होर निकले। पर सीरियसली मैनू नहीं ये गल चंगी लगी भाई। ये बहुत होंगे नहीं यार, पता नहीं हॉस्पिटल का बिल कितना आ जाए, और वैसे भी मुझे जेवरात की जरूरत नहीं है। टाइम दे मैं आता थोड़ी देर। सर एक्सक्यूज मी, आप ये बिल पे करने के लिए पूछ रहे हैं? यार इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं दिखाता, फिर भी जेकर बंदा एक सरकारी जॉब कर रहा है यार, उसकी इन्नी अच्छी खासी पेमेंट तो होती है, सैलरी उसकी इन्नी होती है कि घर का गुजारा वधिया चलता है, विदाउट एनी करप्शन ते विदाउट कोई रिश्वतखोरी किते, फिर भी घर के खर्चे निकल सकते हैं। मतलब ये तो कोई ज़्यादा ही दिखाता है इन्होंने यार, मेरे अकॉर्डिंग तो यार मैं भी जॉब करता रहा है जी, पे तो करना है। चलो स्टोरी भी तो बन रही है, और ले लो जी मुंडे ने इधर भी आ गए टप्पा मारता। किसने किया? सर लेट मी चेक। अबे अब क्या होगा? लिखा नाम क्यों नहीं दसया भाई? बिल पे कर दिया किसने? मैंने अकाउंट से पता किया, वो बता रहे हैं कि कोई फरिश्ता नामी शख्स था। फरिश्ता?
फरिश्ता यही कड़ा फरिश्ता आ गया भाई। चलो मोमेंट सही है, बिल पे हो गया। कैसे? किसी फरिश्ते ने किया? फरिश्ते ने कर दिया। क्या बात है। ओके सो गाइज, इस की अज की एक वीडियो जिद आप देखिया चौथा पार्ट इश्क मुर्शद का। आई नो दैट कि मैं बहुत लेट चल रहा, एक्चुअली मैं लेट रिएक्शन शुरू किए हैं, लेकिन हौली हौली आप पहुँच जाएंगे। आई थिंक 16वां एपीसोड आ चुके हैं। तो जेकर कहूँगे मैं स्किप, वैसे मेरा दिल तो करता मैं लेटेस्ट देखा, पर मैं स्किप करना नहीं चाहता। बाकी तुम थले कमेंट करके दस दौ कि लेटेस्ट एपीसोड से रिएक्शन करिए या फिर पहले आप पूरे करिए काउंट बाय काउंट। बाकी तुम्हें कितना लगे रिएक्शन नीचे कमेंट करके पक्का दस्यो। तो जाने तो पहला चैनल सबसक्राइब करना ना भूलियो, क्योंकि इस चैनल नू खास तुहाडे लई शुरू किया गया ड्रामा वॉचर्स। इतने तीन एपीसोड इश्क मुर्शद दे पाए है, एंड अखाड़ा का पहला एपीसोड अपलोड हो चुका। आई नो दैट के सैकेंड एपीसोड वह आ गया, तो सैकेंड एपीसोड नू भी आप जल्दी ही रिएक्शन बना के उत्ते अपलोड करांगे। सो मेक श्योर यू हिट दैट सबसक्राइब बटन। सो मिलते हैं तुम किसी वीडियो, मैंने दो इजाजत, सत श्री अकाल।